सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया और मेरा नाम है राजज्ञानी। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से हमारे वीडियो बहुत लेट आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, आशा है आप हमें माफ करेंगे। जैसा कि मैं आप में से कई लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूं। मेरा शो के नोट व सिक्के इकट्ठे करने का, मैं कलेक्टर हूं और यह शौक मुझे सन 1976 से है, परंतु आज भी बहुत से सिक्के व नोट ऐसे हैं जो मेरे कलेक्शन में नहीं है और जिन्हें मैं अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहता हूं, अथवा जो मेरे कलेक्शन में हैं लेकिन मैं उनकी संख्या अपने कलेक्शन में बढ़ाना चाहता हूं। और पुराने कुछ वीडियोस में मैंने बताया भी है कि कौन से नोट, कौन से सिक्के या कौन से नोट के बंडल मैं खरीदना चाहता हूं। चूंकि आप में से बहुत सारे लोग अपने नोट या सिक्के बेचना चाहते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, किसी को पैसों की जरूरत है, कोई अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है, कोई फॉरेन टूर करना चाहता है, कोई अपनी बहन बेटी की शादी करना चाहता है, या किसी के पास अपने दादा परदादा के सिक्के हैं, या किसी को खुदाई में सिक्के मिले हैं। इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि हमारे पास ये सिक्के मिले या ये सिक्के रखे हैं या ये सिक्के हम इतने सालों से इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये सिक्के हम बेचना चाहते हैं। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए मेरी बेटर आपने आज सुबह ही मुझे एक सलाह दी है कि क्यों ना आप वो लिस्ट अपने सब्सक्राइबर्स को दे देते हैं जो सिक्के या नोट आपको चाहिए या जो आप अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं। मुझे उनकी ये सलाह बहुत अच्छी लगी, तो ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मुझे मेरे पर्सनल कलेक्शन के लिए सन 1965 से 2014 इन पिछले 50 सालों में जारी किए गए 1 रुपए के नोटों में से वो कौन से 7 नोट हैं जो मैं खरीदना चाहता हूं या जिनका कलेक्शन मैं बढ़ाना चाहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं 1965 से 2014 इन वर्षों में जारी किए गए 1 रुपए के नोटों में से मुझे कौन से नोट की रिक्वायरमेंट है। यदि आपके पास भी रखे हुए हैं कहीं 1 रुपए के नोट, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और इस वीडियो में जिस प्रीफिक्स और इंसर्ट में बात कर रहा हूं, सिर्फ वही प्रीफिक्स और इंसर्ट मुझे चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास है तो वो नोट अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ वही नोट ले रहा हूँ जो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। साथ ही मैं उन नोटों की कीमत भी आपको बता रहा हूं कि उस नोट की मार्केट प्राइस क्या चल रही है। आइए शुरू करते हैं। तो मुझे जो नोट खरीदना है उनमें सबसे पुराना नोट है 1965 का सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एस भूथलिंगम की सिग्नेचर वाला बी इंसेट का नोट, जो ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे एंड के प्रीफिक्स में जारी हुए थे और मुझे मेरे पर्सनल कलेक्शन के लिए के प्रीफिक्स वाले नोट की तलाश है। और अगला नोट है 1968 का, जिसमें सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एस जगन्नाथन की सिग्नेचर की हुई है और ये नोट ए इंसेट में वी डब्ल्यू एक्स और वाई प्रीफिक्स में जारी हुए थे और मुझे मेरे पर्सनल कलेक्शन के लिए वाई प्रीफिक्स वाले नोट की तलाश है। तीसरा सबसे पुराना नोट जिसे मैं तलाश रहा हूँ वो है 1969 में स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आई जी पटेल की सिग्नेचर में प्लेन इंसेट में जारी आर प्रीफिक्स वाला नोट। और अगला नंबर है 1975 में एम जी कोल की सिग्नेचर में इंसेट एच व प्रीफिक्स ए बी सी डी ई एफ में जारी नोट का। इसमें से मुझे मेरे पर्सनल कलेक्शन के लिए जरूरत है ए प्रीफिक्स वाले नोट की। पांचवे नंबर का 1 रुपए का एक ऐसा नोट जो मुझे खरीदना है वो है 1979 में सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
डॉक्टर मनमोहन सिंह की सिग्नेचर में जारी ए इनसेट व एम प्रीफिक्स वाला नोट यदि आपके पास हो तथा आप बेचना चाहते हो तो मुझे अवश्य कमेंट करें। अगला नोट है 1980 में आर एन मल्होत्रा की सिग्नेचर में ए इनसेट ने यू वी एम डब्ल्यू प्रीफिक्स में जारी नोट। इनमें से मुझे डब्ल्यू प्रीफिक्स वाले नोट की तलाश है। और इस वीडियो का आखिरी एक रुपए का एक ऐसा नोट जो वर्ल्ड फेमस नोट है जिस पर दसियों वीडियो बन चुके हैं और कई मिथ भी प्रचलित हैं। और वो नोट है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मोंटेक सिंह अहलूवालिया का 1993 में बी इनसेट और एन प्रीफिक्स में जारी किया गया नोट। यदि यह नोट आपके पास है तो इस नोट को मैं अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए ज़रूर खरीदना चाहूँगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, 1965 टू 2014 इन 50 सालों में लगभग 45 एक रुपए के नोट जारी हुए हैं, परंतु मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इन 7 नोटों में ही है और जो इनसेट और जो प्रीफिक्स मैंने बताए हैं सिर्फ वही मुझे मेरे पर्सनल कलेक्शन के लिए खरीदना है। यदि उपरोक्त नोटों में से एक भी या सभी नोट आपके पास हैं और आप बेचना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट करें। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, ये 7 नोट मुझे चाहिए। यदि आपके पास इनमें से एक भी नोट या सभी नोट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य कमेंट करें, मैं आपसे संपर्क करूंगा। और अंत में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरा फोन नंबर बहुत से सब्सक्राइबरों ने ढूंढ लिया है और मुझे लगातार फोन आते रहते हैं, लेकिन अभी ईयर एंडिंग आने वाला है और चूंकि मैं गवर्नमेंट सप्लायर हूं तो मार्च की वजह से मेरा शेड्यूल बहुत टाइट हो चुका है। इस वजह से मुझे कई बार फोन स्विच ऑफ करना पड़ता है या कई बार ऐसा होता है कि मैं आपसे फोन पे बात करता हूँ, आप मुझे बोलते हैं कि आपके पास बहुत अच्छे सिक्के या नोट है और मुझे वो अच्छे भी लगते हैं, मैं आपसे बोलता भी हूँ कि ठीक है अपन इस विषय में बात करेंगे, और कभी कभी मैं कुछ लोगों से बात करना भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे इतने कॉल आते हैं और मैं इतने लोगों से बात करता हूँ कि हर व्यक्ति से मैं दोबारा बात कर पाऊँ ऐसा सोचता जरूर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक दो लोगों को मिस कर जाता हूँ। तो यदि ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनसे मैं बोल चुका हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे वह भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेरे फोन पे बात कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप निराश ना हो, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बस वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे रेगुलर बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपका काम अवश्य होगा और जो मैंने आपसे बोला है उस वादे को पूरा करूंगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए और बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो रेगुलर वीडियो भी आएंगे और पूरा टाइम फोन भी चालू मिलेगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए रोचक अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए और हमारे लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं। जय हिंद, जय भारत।